हाँ बोलिए पिंकी जी, मैं इस दूसरे कमरे में आ गया हूँ। अच्छा, अरे मेरी बीवी तो यूं ही है, उसे कहाँ कुछ समझ में आता है। अच्छा तो ये काम था, क्या नो, हुआ? अच्छा हुआ कि मुझे आज ही पता चल गया कि तुम्हारा अनफेयर चल रहा है। क्या अनफेयर? ये क्या होता है? मतलब तुम्हारा किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है, उसे अफेयर कहते हैं। और वैसे ये किसने कहा तुमसे कि मेरा अफेयर चल रहा है? अच्छा क्या हुआ मम्मी? तेरे बाप का किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है बेटा। क्या? अरे नहीं, तेरी माँ को कोई गलतफहमी हो गई है बेटे। इतना झूठ बोलोगे, अभी मैंने इन्हें किसी पिंकी के साथ बात करते हुए पकड़ा है बेटा। पापा, बेटा मेरे लिए टैक्सी मंगा ले। पर क्यों? तेरे बाप का चक्कर चल रहा है, सौतन आएगी अब घर में। क्या सौतन? कोई सौतन वोतन नहीं है पापा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बेटे तेरी माँ को गलतफहमी हो गई है और कुछ नहीं, लेकिन बेटा टैक्सी इस जन्म में आ जाएगी। मम्मी लेकिन पापा की एक बार पूरी बात तो सुन लो बेटा, आप सुनने और सुनाने के लिए बचा ही क्या है, और तू भी अपनी बाप की तरफ आ गया। इसी दिन के लिए तुझे पैदा किया था मैंने। मम्मी इमोशनल ड्रामा, एक मिनट। पापा आप शुरू से बताओ कि हुआ क्या। मेरे ऑफिस में मेरा एक कलीग है जिसका नाम पिंकी है, बस उससे ही तो बात कर रहा था। तो उससे ये क्यों कह रहे थे कि मेरी बीवी तो यूं ही है, उसे क्या पता? अरे क्योंकि वो अपनी बीवी को तलाक दे रहा है, क्योंकि वो अनपढ़ है, इसलिए मैं उसे बता रहा था कि मेरी बीवी भी अनपढ़ है। तो ये थोड़ा है कि उससे तलाक दे दो। हाँ इतने साल हो गए हमें साथ रहते रहते, तुम इतना ही समझ पाई मुझे। हाँ मम्मी अब आप पापा को सॉरी बोल दो बस। सॉरी, कोई बात नहीं। उम्र सारी।